और अब बात करते हैं शहडोल की, जहां NH-43 से लगे मार्गों में कई दलालों ने अपनी निगाहें जमाई हैं और फिर उसे मनचाहे दामों पर बेच दिया है। बढ़ते शहरीकरण और व्यवसायीकरण से इस मार्ग के किनारे दोनों ने अपनी जड़ें जमाई तो कुछ को उल्टे मुंह खाना पड़ा है। मामला शहडोल बुढ़ार बाईपास कटकोना पेट्रोल पंप के सामने का है, जहाँ हाईवे से लगे दुकान के पास हीरालाल सोनी नामक व्यक्ति हाईवे के पुल को बांधने की फिराक में है और इस पुल से लगभग सैकड़ों घरों और अन्य प्रकार के जल का विसर्जन एक तालाब में जाकर होता है। हीरालाल नामक व्यक्ति ने हाईवे से महज कुछ ही दूरी पर जमीन को खरीद कर उसमें कॉम्प्लेक्स बनवा रहा है। उसके सामने ही पुल है जो कंस्ट्रक्शन से जल अवरुद्ध हो रहा है और आसपास के घर और दुकानों में उसके कंस्ट्रक्शन के कारण पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे उनके घर व दुकान ढह सकते हैं। उक्त मामले की शिकायत फरियादी भूपेंद्र यादव जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक स्थानीय तहसीलदार दिए। एक माह हो गए किंतु किसी के कानों में अब तक जू नहीं रेंगा और हीरालाल नामक कथित व्यक्ति द्वारा बेतहाशा आवासीय लोगों को निकास को रोककर परेशान किया जा रहा है, जो आगामी दिनों में किसी बड़ी घटना को जन्म दे सकता है। भाई साहब, आपका भूपेंद्र यादव, ये कौन सी जगह है? कटकोना। हाँ, क्या समस्या हो रही है आपको? सर, ये जो बगल में नाली निकला हुआ वो ब्लॉक हो रहा है, उसके वजह से मेरी बिल्डिंग गिर गई सर। अच्छा, कब से हो रही है ये? करीबन सर जब से बरसात लगा हुआ। नाली कहाँ पे बना हुआ है ये? नेशनल हाईवे का 43 नंबर रोड पर है, सामने दिख रहा है। तो उसमें आपको क्या समस्या हो रही है? जैसे हाईवे में नाली बना हुआ है तो पानी तो फ्लो हो रहा होगा, निकल रहा है? नहीं सर, वो ब्लॉक कर दिया है, सामने कंडक्शन खड़ा करके वो मार नहीं रहा है, नाली को ब्लॉक कर दिया है। उसके वजह से क्या, पूरी बिल्डिंग में आप जाके देख लीजिए, सारी बिल्डिंग ध्वस्त होने का कगार पे है। किसकी बिल्डिंग ध्वस्त होने का कगार पे है? मेरा खुद का सर। कहाँ कहाँ पानी का रिसाव हो रहा है? पूरे बिल्डिंग के जितने भी नीचे के पार्ट्स हैं, कमरे हैं है, और आंगन है, पूरे कमरों में सब पानी। कंस्ट्रक्शन बगल से कौन कर रहा है? सोनी जी है, हीरालाल सोनी सर। और कौन है? सिर्फ वही बस है? नहीं, नर्मदा प्रसाद पटेल है। अच्छा, दोनों कर रहे हैं सर। तो जैसे पानी का बहाव हो रहा है बगल से, आपकी जमीन के बगल से कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, तो इसको लेकर के आपने कहीं शिकायत किया है क्या? जी सर, इसकी सूचना कहीं आप दिए हैं? जी सर, मैंने माननीय तहसीलदार को और सर कलेक्टर सर को और थाने में जहाँ मेरा हो सका सर वहाँ मैंने दिया हुआ लिखित पर, और उनका रिसीव भी मेरे पास पड़ा हुआ। इन सभी जगह से अभी तक आपको क्या रिस्पांस मिला? कोई रिस्पांस नहीं मिला सर अभी तक। मतलब तब से अभी तक वहाँ से कोई आया, कोई अधिकारी, संबंधित अधिकारी, कोई संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। तहसील थाना कोई नहीं आया। तहसीलदार से मोबाइल से भी बात हुआ, उन्होंने आश्वासन दिया है आने के लिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? सर, मैं चाहता हूँ कि ये रोड ध्वस्त न हो और सामने में बिल्डिंग ध्वस्त न हो सर, ये चाहता हूँ। वो भी अपना मतलब जो आगे देख लिया जाए, जो नुकसान है मौका वारदात पे देख के नुकसान ना हो सर, ना रोड का नुकसान हो ना मेरा नुकसान। आपकी मेन मंशा ये है कि जो पानी का फ्लो हो उसका ऐसे व्यवस्था किया जाए कि मतलब आपका घर भी रिसाव से बचा रहे? जी सर। और पानी भी निकल सके? जी सर, यही चाहता हूँ सर।